push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. Hello, welcome to my channel. So, कैसे हैं आप सभी? I hope सभी बहुत ही मस्त है और ये वेडिंग सीजन बहुत ही धूमधाम से enjoy कर रहे हैं. पर कोरोना अभी गया नहीं है, तो प्लीज़ सारे प्रिकॉशंस फॉलो करके एकदम मज़ेदार मस्ती कीजिए. एंड मैंने इसके पहले भी एक वीडियो किया था वेडिंग गेस्ट पे, वो पूरा इंग्लिश वीडियो था. एंड ये वीडियो मैं पूरा हिंदी में बोलने वाली हूँ. एंड अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइज गो एंड वॉच दैट ऑल्सो, क्योंकि उसमें मैंने इवनिंग वेडिंग गाउन का एक लुक किया था. एंड ये वीडियो मैं वापस से फिर से इसलिए कर रही हूँ बिकॉज ये लुक जो आज मैंने क्रिएट किया है बहुत ही वर्सेटाइल है, बहुत वर्सेटाइल लुक है. मतलब ये आपके सारे आउटफिट पे, सारे कलर्स के आउटफिट पे, सूट, साड़ी, गाउन, रेड, ब्लू, वाइट, ग्रे, वॉट एवर कलर, कुछ भी आउटफिट का कलर हो, ये आपके सारे लुक पे जाने वाले. क्योंकि मैंने जो आई शेडोज से प्ले किया है इसमें बहुत ही न्यूट्रल तो नहीं है, बट बहुत ही वर्सेटाइल है. आप इसे कोई भी कलर पे वेयर डेफिनेटली कर सकते हो. सो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और अब बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ. सो सबसे पहले मैं मॉइस्चराइज कर रही हूँ अपना फेस, और ये पॉन्ड्स का मॉइस्चराइज़र है. आफ्टर दैट मैं अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करूँगी, जो कि निव्या का है. और ये दोनों ही स्टेप किसी भी स्किन टाइप को कभी भी स्किप नहीं करना चाहिए. सो नाउ मैं मेकअप स्टार्ट करने जा रही हूँ. तो सबसे पहले मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन, और ये मेबलिन फिट मी का फाउंडेशन है. इसका नाम नेचुरल बफ है, और मैं इसे एक ब्यूटी स्पॉन्ज, डैप ब्यूटी स्पॉन्ज की हेल्प से पूरे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ. आफ्टर दैट मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. ये एल ए प्रो कंसीलर है इन द शेड प्योर बेज, और इससे मैं अपने सारे डार्क स्पॉट्स, आई मीन जितने भी काली धब्बिया वाली जगह है, उन सभी को कवर अप कर लूँगी. और ये इसका एप्लीकेटर बहुत ही ज़्यादा ख़राब है. ये कंसीलर तो एक नंबर है, पर इसका एप्लीकेटर उतना अच्छा नहीं है. और बस इसे भी मैं सेम स्पॉन्ज के हेल्प से अच्छी तरह से अपने फेस में ब्लेंड कर लूँगी. और आपको डैप डैप करके ब्लेंड करना है, आप उसे ऐसे ड्रैग मत कीजिएगा, सो दैट ये बहुत ही अच्छा बेस होता है उसके बाद. सो इसके बाद मैं सेम एरियाज़ को थोड़ा हाईलाइट करने के लिए दूसरा कंसीलर यूज़ कर रही हूँ. वो भी मेबलिन से ही है, एंड उसका शेड है सैंड सेबल. इससे मैं जस्ट वही सारी टी जोन मेरे एरिया जहाँ मैंने एल ए प्रो कंसीलर लगाया था वही सारी जगह पर लगाया है, और सेम स्पॉन्ज से ब्लेंड कर लिया. और अब मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ. ये भी मेबलिन फिटमी से है, और इस शेड का नाम लाइट 15 है. इसकी हेल्प से मैं बेकिंग करूँगी. बेकिंग करने से बहुत ही अच्छे से आपका फाउंडेशन कंसीलर काफ़ी लंबे देर तक अच्छे से टिका रहता है. तो बस मैं इसे अच्छे से सारे जिस भी जगह में मैंने कंसीलर अप्लाई किया था उसी जगह पर मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ सेम स्पॉन्ज से. और 2-3 मिनट के लिए मैं इसे बेक होने के लिए छोड़ दूंगी. तब तक हम बढ़ते अपने फेस की तरफ. तो फेस के लिए अब मैं जा रही हूँ ब्रॉन्जिंग करने, जिसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ के ब्यूटी का कॉन्टोर स्टिक, और शेड का नाम है कैरमल फोकस. एंड मैं इसके फिंगर की हेल्प से अपना इसे अप्लाई करूँगी. ये बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है फिंगर से, सो मैंने बस उसको फिंगर पे ले लिया है. एंड जहाँ पे हम ब्रॉन्जिंग करते हैं बेसिकली बस उसी जगह पे मैं प्लेस कर रही हूँ, और अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर की तरफ इसे ब्लेंड करना है जिससे ज़्यादा अच्छा लिफ्टेड शेप आता है फेस की तरफ. सो बस मैं इसे सारी जगहों पर अच्छे से लगा के ब्लेंड कर लूँगी. और अब बाकी प्लेस के लिए मैं ब्रश का हेल्प लूँगी, और जो प्रोडक्ट है उसको मैं ब्रश पे ऐसे अप्लाई कर रही हूँ. देन उसके बाद मैं अपने फॉरहेड पे, जॉ लाइन पे, ये सारी जगहों पे जहाँ पे हम हमेशा कॉन्टोर करते हैं अच्छा डेफिनेशन के लिए, वही सारी जगहों पे बस मैं इसे जल्दी से अप्लाई कर ले रही हूँ. और अब टाइम हो गया है कि हम अपने बेकिंग को भी हटा दें. तो बस मैं दूसरे ब्रश के हेल्प से बहुत ही सॉफ्ट हैंड से, ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है, अपने सारे बेकिंग प्रोडक्ट्स पाउडर को हटा दे रही हूँ. और उसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ निक्स का सेटिंग स्प्रे, जिससे मेरा मेकअप पूरा सेट हो जाएगा और पूरे दिन अच्छे से रहेगा. सो आफ्टर दैट ये जब ड्राई हो जाएगा, आईब्रोज़ की तरफ बढ़ रही हूँ. और सबसे पहले मैं एक स्पूली के हेल्प से आईब्रोज़ को अपवर्ड कॉम कर रही हूँ. और फिर ये जैकलिन हिन्स का ड्यूप पैलेट है, जिसमें से मैं ये 2 शेड्स ब्लैक एंड वो डार्क ब्राउन दोनों शेड को एक एंगुलर ब्रश की हेल्प से मिक्स करके अपने लोअर ब्राउज
के स्पार्स एरिया मतलब जो भी गैप वाली एरिया है वो सभी को फिल कर रही हूँ। एंड देन अगेन स्पूली के हेल्प से मैं सारे ब्राउ हेयर्स को कॉम डाउन किया। एंड आफ्टर दैट मैं ऊपर से अच्छे से आईब्रोज का डेफिनेशन एक लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। एंड देन बस मैं फिर से स्पूली के हेल्प से सारे हेयर्स को अपवर्ड पुश कर दे रही हूँ, आई मीन कॉम कर दे रही हूँ। सो ये रेडी हो गया वन आईब्रो और बस अभी एक मिनट में मैं दूसरा आईब्रो करके भी वापस आती हूँ। टन टन ये हो गया रेडी और अब हम बढ़ते हैं अपने फेस की तरफ, जिसके लिए मैं मेबलिन मास्टर कॉन्टोर पैलेट यूज़ कर रही हूँ और उसमें से वो ब्रॉन्जी शेड ले रही हूँ। और जहाँ जहाँ हमने के ब्यूटी का कॉन्टोर स्टिक प्लेस किया था बस उसी एरियाज़ को मैं ये पाउडर कॉन्टोर की हेल्प से वो सारी प्लेसेस को एक बार सेट कर ले रही हूँ, सो दैट प्रोडक्ट अच्छे से वहीं पर रहे, कहीं इधर उधर नहीं जाए, एंड सो दैट प्रोडक्ट फेड ना हो जल्दी से। और मैं सेम प्रोडक्ट से अपने नोज़ कॉन्टोरिंग भी करूँगी बहुत ही हल्का। एंड उसके बाद मैं सेम पैलेट से ब्लश यूज़ करूँगी और अपने चीक्स के हाई पॉइंट्स में लगाऊंगी। एप्पल ऑफ द चीक्स में मैं नहीं लगा रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ी चबी चबी चीक्स है, सो आपको अगर वहाँ लगाना पसंद है तो आप वहाँ भी लगा सकते हो। मैं इसे थोड़ा सा हाई प्लेस करी जिससे थोड़ा सा स्नैच्ड लुक आता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। हाई पॉइंट्स पर थोड़ा सा इसे लगा रही हूँ और उसके बाद मैं इसे थोड़ा नोज़ पर भी लगाऊंगी क्योंकि बहुत अच्छा लुक आता है नोज़ एंड चिन पर। और भर भर के ब्लश लगाइए बिकॉज ये सबसे जल्दी मेकअप प्रोडक्ट है जो गायब हो जाता है। सो उसके बाद हम बढ़ते हैं हाइलाइटर की तरफ, जो सबसे ऑसम स्टेप लगता है मुझे ग्लो करना। सो ये है वेट एंड वाइल्ड का हाइलाइटर इन द शेड प्रीशियस पेटल्स और इससे बस मैं अपने हाई पॉइंट्स पे ब्रिज ऑफ द नोज, नोज के मतलब बीच में, एंड क्यूपिड बोल चिन और फोरहेड, ये सारे एरियाज में लगा रही हूँ। एंड इफ बैकग्राउंड में आज थोड़ी सी वॉइस डिस्टर्ब हो रही है तो प्लीज़ सॉरी, उसे इग्नोर करना, बहुत कुछ चल रहा है आज, मुझे पता नहीं इतना क्यों सब, शायद वेडिंग सीजन है इसीलिए। सो बस अब ये हाईलाइट भी हो गया है एंड देन फाइनली अब हम बढ़ेंगे अपने आईज की तरफ, आई शेडो की तरफ। सो नाउ ये वेट एंड वाइल्ड का रोज़ इन दी एयर आई शेडो है जिससे मैं वो ऑरेंज शेड ले रही हूँ एक अच्छे से ब्लेंडिंग प्लफी ब्रश पे, और ये पैक का ब्रश है और इसे मैं क्रीज पे इस वे से अप्लाई कर रही हूँ। आप प्लीज़ मेरा वे फॉलो करना, जैसे जैसे मैं ये अप्लाई कर रही हूँ आउटर विंग्स के जैसे, बस ये अप्लाई हो गया। उसके बाद मैं मेबलिन का सेम कंसीलर ले रही हूँ जो मैंने पहले यूज़ किया था और इसके हेल्प से मैं एक कट करूँगी, फुल कट क्रीज करने वाली हूँ आज। सो ये वेगा का फ्लैट ब्रश है जिससे मैं कंसीलर पिक कर रही हूँ और अपने आईज़ को वो फुल कट क्रीज का लुक कट करूँगी। बहुत ही ध्यान से, बहुत ही धीरे धीरे ये स्टेप करना है, मैं भी बहुत ही बिगनर हूँ अभी इस टाइप के आई शेडोज़ में। सो बस प्रैक्टिस करते रहिए, हो जाएगा, कुछ भी इम्पॉसिबल तो है ही नहीं। बस इसी तरह से वो जो मैंने ऑरेंज शेड किया था उसी का लाइन फॉलो करके मैंने एक कट क्रीज कर लिया है, फुल कट क्रीज आउटर विंग्स के पूरे पूरे लास्ट तक लेके गई हूँ और ये हो गया है। और अब मैं सेम कंसीलर और कंसीलर के एप्लीकेटर से ही जितना पार्ट हमने कट किया है उसके नीचे का जो पार्ट है उस एरिया को पूरा कवर कर ले रही हूँ और उस बॉर्डर को आपको क्रॉस नहीं करना है वरना पूरा लुक डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो वंस पूरा वो मैंने कवर कर लिया उसके बाद मैं सेम ब्रश से एक बार ऊपर से ऐसे डैप डैप कर ले रही हूँ सो दैट पूरा स्मूथ बेस रेडी हो जाए। और आप जो भी मुझे देख रहे हो फिलहाल मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर चेकआउट करें, ज़रूर देखें क्योंकि उस वीडियो में मैंने कट क्रीज कैसे करते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरा एक्सप्लेन किया है। और अब मैं सेम पैलेट से वो एक शिमरी शेड ले रही हूँ और अपने कंसीलर एरिया को बस सेट कर ले रही हूँ इसके हेल्प से। उसके बाद मैं स्विस ब्यूटी का ग्लिटर आई शेडो यूज़ कर रही हूँ और ये शेड का नाम है शैम्पियन और इसके एप्लीकेटर से ही जितनी जगह पर हमने कंसीलर यूज़ किया था सेम एरिया में पूरा ये ग्लिटर आई शेडो अप्लाई कर ले रही हूँ। वाओ कितना सुंदर लग रहा है ना, ये कितना प्रिटी लग रहा है और मैं एकदम 100% बता सकती हूँ कि अगर आप ये लुक ट्राई कर रहे हो ना तो ये आपके किसी भी कलर के आउटफिट में 100% आपको bomb.com वाली लुक देने वाला है, बहुत अच्छे लगने वाले हो। सो अब मैं वापस से वो ऑरेंज शेड ले रही हूँ और बस अपने क्रीज एरिया को एक बार फिर से डिफाइन कर रही हूँ और कुछ नहीं। और आई एम सॉरी, अब जो स्टेप मैं करने वाली हूँ ये एक्चुअली आई शेडो के पहले करना चाहिए था पर मैं भूल गई थी, तो कोई बात नहीं, सभी कुछ पॉसिबल है जैसा मैंने बोला। सो बस मैं कंसीलर लेके अपने आईब्रोज़ के नीचे सेम नेचुरल लाइन फॉलो करके उस एरिया को डिफाइन कर रही हूँ, इससे लुक ज़्यादा अच्छा लगता है। और जो दूसरा आईज जो अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है तो पहले से अभी उसे कर ले रही हूँ।
और अब मैं इस आईलाइनर के हेल्प से एक शॉर्ट टेल ड्रॉ करूँगी अपने आउटर विंग्स पे, मतलब बेसिकली मैं एक विंग बनाने वाली हूँ इस आईलाइनर से। और बस मैं अपना जो नेचुरल नहीं, अभी जो हमने क्रिएट किया है वो शिमरी विंग, उसी लाइन को फॉलो करके अपने लोअर लैश लाइन से कनेक्ट करके एक बहुत ही ईजी सा विंग बना रही हूँ। और एक आईलाइनर विंग क्रिएट करना बहुत ही पेशेंस वाला काम है, बहुत ही शांति से करना पड़ता है, मुझे ये मालूम है, क्योंकि पहले मुझे ये एकदम नहीं आता था, बट अब मैं ये प्रैक्टिस करते करते करने लग गई हूँ बहुत ही अच्छी तरह से। सो बस अब मैं एक विंग ड्रॉ कर ली हूँ और अंदर के आई कॉर्नर से भी लेके अब इसे कनेक्ट कर लूँगी, और बहुत ही थिन लाइन का मैं विंग क्रिएट की हूँ। दैट्स इट, हमारा विंग रेडी हो गया है। सो मैं सेम ऑरेंज शेड ले रही हूँ और अपने लोअर लैश लाइन के में लगा ले रही हूँ सेम ब्रश के हेल्प से, और उसके बाद मैं वेगा का आई कलर यूज़ कर रही हूँ जिससे मैं अपने लैशेस को कर्ल कर लूँगी। बहुत ही अच्छा लुक आता है ये मस्कारा लगाने के पहले। सो इसके बाद बस फाइनली मैं मस्कारा यूज़ कर रही हूँ, मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, और इससे मैं बहुत 2-3 कोट्स लगा रही हूँ क्योंकि मैं फॉल्सीज नहीं लगाने वाली हूँ। अगर आप फॉल्सीज लगा रहे हो तो बहुत ही अच्छा लुक आने वाला है, और फॉल्सीज के बिना भी ये मस्कारा मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये फॉल्सीज का ही इफेक्ट मुझे देता है। सो बस इसे मैं अपर लैश लाइन पे, आई मीन अपर लैशेज पे और लोअर लैशेज पे अच्छे से कोट कर ली हूँ। एंड इसके बाद मैं काजल यूज़ करने वाली हूँ, और ये फेसेस कैनेडा का काजल है और ये काजल मुझे बहुत 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 पसंद है, और इसे मैं बस हाफ वे ही लगाने वाली हूँ, पूरा अंदर इनर कॉर्नर्स तक नहीं लगाऊंगी, इससे आईज़ बहुत ही ओपन और बहुत ही अच्छा दिखता है। सो फाइनली हमारा आई लुक रेडी हो गया है। उसके बाद मैं सेम हाइलाइटर से अपने फिंगर्स के हेल्प से ब्राउज के नीचे हाईलाइट कर रही हूँ और इनर आई कॉर्नर्स पे हाईलाइट कर रही हूँ, और ये स्टेप होने के बाद आप देखेंगे कि आपकी आईज़ और भी ज़्यादा बहुत अच्छी लगती है। इनर आई कॉर्नर हाईलाइट करना बहुत अच्छा होता है। एंड लास्टली पूरे मेकअप को रेडी पूरा फिक्स करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ लिपस्टिक, और ये है नायका का लिक्विड लिपस्टिक इन द शेड बॉम्बे। ये न्यूड शेड है क्योंकि आईज़ इतना बोल्ड है, सो इसलिए लिप्स को न्यूड रखना ही अच्छा है। और फिर लास्टली मैं एनएक्स का सेटिंग स्प्रे यूज़ कर रही हूँ जिससे पूरा मेकअप सेट हो जाएगा। सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले, और बहुत ही जल्द मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो पे। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।